आज हमने सीखना है जर्नल से लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं, जर्नल से लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं। जैसे यहां पे जर्नल कुछ टर्म्स दी थी, जैसे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 1 लाख। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आ गया था इसका 1 लाख और यहां पे आ गया 1 लाख। नंबर टू पे यानी द एंड 1 2020। फिर सेकंड कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक और पेज 50,000। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000। नंबर थ्री कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक रुपीज 20,000। तो कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक का मीनिंग क्या हो गया, कि बैंक से पैसे हमने निकाले, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आई, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000। नंबर फोर कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज रुपीज 10,000। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपने बैंक से पैसे निकाले लेकिन किसके लिए, पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज क्या होती है, ड्राइंग्स। तो हमें क्या लिखना है यहां पे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट कितना आ गया 10,000। फिर इसके बाद रेंट पेड रुपीज 4,000 और डेट आ गई इसकी 5। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, एक्सपेंसिव पे किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट आ गया 4,000 और 4,000। जब हमारे एक्सपेंसेस थे तो एक्सपेंसेस क्या लिखते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट। नंबर सिक्स सैलरी पेड बाय चेक रुपीज 15,000। तो हमने क्या लिखा, सैलरी क्या हमारा एक्सपेंसेस है, पे कैसे किया हमने, चेक से। एक्सपेंडिचर क्या लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट कितनी आ गई यहां पे 15,000 और 15,000। नंबर सेवन मींस डेट 7 गुड्स सोल्ड टू मोहन रुपीज 10,000। अब हमने क्या किया, सामान किसको बेचा, मोहन को, लेकिन बेचा कैसे, उधार, जब उधार पे बेचो तो उसका नाम आता है मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितनी आ गई 10,000, ये आ गई 10,000। और यहां पे इसकी डेट ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7। ये क्या बना दिया हमने, इसकी जर्नल एंट्री। अब सबसे पहले हमने सीखनी है जर्नल से लेजर पोस्टिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी लेजर की एक फॉर्मेट, सबसे पहले हम बना रहे हैं कैश अकाउंट, यहां पे डेबिट और यहां पे क्रेडिट। यहां पे आ गया हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट और क्रेडिट, यहां पे डेट पर्टिकुलर्स
अमाउंट रुपीज का सिंबल, फिर डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट रुपीज का सिंबल। आपने याद रखना है डेबिट साइड में हमेशा टू आता है और क्रेडिट साइड में हमेशा बाय आता है। डेबिट साइड में टू और क्रेडिट साइड में बाय। सबसे पहले जिसकी लेजर हमने बनानी है उसका नाम अंदर नहीं आता, उस लेजर में उसका नाम नहीं आएगा, राइट। अब सबसे पहले हम किसकी लेजर बनाने लगे, कैश। किसकी बनाने लगे, कैश। अब यहां पे देखो सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश टू कैपिटल। कैश का बैलेंस कहां पे है, डेबिट साइड में, तो आपने डेबिट साइड इसका बैलेंस लिख देना है। सबसे पहले बैलेंस कहां लिखा इसका, डेबिट साइड में, और इसके अपोजिट कौन था, कैपिटल, तो उसका नाम लिख देना हमने, और डेट डाल दी 1st January 2020। समझ आई क्या बोला मैंने, कि अगर कैश का बैलेंस डेबिट साइड है तो आपने बैलेंस कहां से डाल दिया, डेबिट साइड में, अमाउंट लिख दी वहां पे, और उसके जो अपोजिट था उसका नाम लिख देना। नंबर टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश का बैलेंस कौन सी साइड पे है, क्रेडिट में, तो सबसे पहले आपने क्रेडिट में इसका बैलेंस था लिख दिया, और इसके अपोजिट कौन है, बैंक, तो इसका नाम लिख दिया, राइट। फिर कैश टू बैंक, कैश का बैलेंस कहां पे है, डेबिट में, ये बैलेंस लिख दिया। अपोजिट कौन है, बैंक टू बैंक अकाउंट, और डेट आ गई 3, यहां पे 2। फिर ड्राइंग टू बैंक, यहां पे कैश का नाम नहीं है, अगर कैश नहीं है तो वहां पे ट्रांजेक्शन नहीं आएगी। रेंट टू कैश, कैश कहां पे आए, क्रेडिट साइड में, तो यहां पे इसका बैलेंस पहले सबसे पहले लिखा 4000। डेट कौन सी थी, 5, और अपोजिट कौन था इसका, रेंट। फिर इसके बाद सैलरी टू बैंक, कैश का नाम नहीं है तो यहां पे नहीं आएगा। फिर मोहन टू सेल्स, कैश का नाम नहीं है। अब हमने क्या करना है, इसका टोटल करना है, दोनों में से कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है, तो आपने डेबिट साइड का टोटल किया 1,20,000, और यही टोटल आपने क्रेडिट साइड में लिख देना 1,20,000, और यहां पे क्या लिखोगे, बाय बैलेंस कैरिड ऑन, जो छोटी साइड होगी वो बैलेंस कैरिड ऑन, यहां पे आ गया 66,000, और यहां पे लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉड ऑन। अगर बैलेंस कैरिड ऑन क्रेडिट साइड है तो ब्रॉड ऑन कौन सी साइड आएगा, डेबिट में, 66,000। पहली लेजर किसकी बनाई हमने, कैश की। अब इसके बाद सेकेंड लेजर किसकी बनाने लगे हम, कैपिटल अकाउंट, फिर वही डेबिट और ये क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज का सिंबल, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज का सिंबल, यहां पे 2 और यहां पे 1। सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस कौन सी साइड पे है, क्रेडिट साइड में, तो आपने बैलेंस कहां पे लिखा इसका, क्रेडिट साइड में। कैपिटल के अपोजिट कौन है, कैश, यहां पे आ गया कैश। डेट आ गई 1 और यहां पे क्या लिखा, कैश अकाउंट, ठीक है। अब यहां पे कैपिटल की कोई ट्रांजैक्शन है, कोई जर्नल एंट्री है, नहीं है, तो यहां पे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। यहां पे कैपिटल का बैलेंस कितना आ गया, 1,00,000, ले आ गया 1,00,000, और यहां पे देखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन अमाउंट 1,00,000, और दूसरी साइड बाय बैलेंस ब्रॉड ऑन 1,00,000, राइट। ये किसकी बनाई हमने, कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद
हम बनाने लगे हैं बैंक अकाउंट, फिर वही डेबिट और ये क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट और बेस का सिंबल, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट और बेस का सिंबल। सबसे पहले हमने कैश की बनाई, फिर उसके बाद कैपिटल बनाई, अब किसकी बनाएंगे हम, बैंक। बैंक के आप बैंक का अमाउंट कहां पे है, सबसे पहले डेबिट साइड में, तो आपने डेबिट साइड में अमाउंट लिख दिया इसका 50,000, और अपोजिट कौन है, कैश, उसका नाम लिख दिया, डेट सेकंड, यहां पे आ गए। अब थर्ड एंट्री में क्या था, जनरल एंट्री में, बैंक कहां पे है, क्रेडिट साइड में, तो यहां पे क्रेडिट में इसकी अमाउंट लिख दी। अपोजिट कौन है, कैश, बाय कैश अकाउंट, डेट थ्री। नंबर फोर में ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक का बैलेंस कहां पे है, क्रेडिट साइड, तो ये क्रेडिट में इसका बैलेंस लिखा, और यहां पे क्या लिखा इसके अपोजिट, बाय ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग कहां पे था, डेबिट में, कहां चला गया, क्रेडिट में, अमाउंट, डेट कौन सी आ गई, फोर। नंबर फाइव में रेंट टू कैश, बैंक का नाम नहीं है, सैलरी टू बैंक है, बैंक कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड में, बैलेंस कहां पे आ गया, क्रेडिट में, और अपोजिट कौन आ गया इसका, बाय सैलरी अकाउंट, अमाउंट और डेट आ गई इसकी सिक्स। फिर मोहन टू सेल्स, कोई बैंक की ट्रांजेक्शन नहीं, डेबिट साइड में ये 50,000, 30, 40, 5, कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट साइड, यहां पे लिखा आपने 50,000, यही टोटल आपने क्रेडिट में किया, और यहां पे लिखा बाय बैलेंस कैरिड ओवर 5,000, और यहां पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट ऑन। अगर कैरी डाउन क्रेडिट साइड आ रहा है तो ब्रॉट ऑन कौन सी साइड आएगा, डेबिट में। बैंक भी आ गया, कैश भी आ गया, कैश बैंक, अब किसका बनाएंगे हम, ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग में बैलेंस कहां पे है, डेबिट साइड में, ये आ गया डेबिट साइड बैलेंस, और इसके अपोजिट कौन है, बैंक, तो यहां पे क्या लिखा, टू बैंक अकाउंट, डेट कौन सी आ गई इसकी, फोर। ड्राइंग की कोई और एंट्री नहीं, बस, तो यहां पे आ गया डेबिट साइड का टोटल किया 10,000, यही टोटल क्रेडिट साइड में ले गया हम 10,000, और यहां पे क्या लिखा, बाय बैलेंस कैरी डाउन अमाउंट 10,000, और यहां पे क्या लिखा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। ड्राइंग के बाद बैंक हो गया, अब किसका बनाएंगे, रेंट, ये लिख दिया मैंने, रेंट अकाउंट, रेंट के अपोजिट कौन है, कैश, रेंट का बैलेंस कौन सी साइड है, डेबिट साइड में, या डेबिट साइड में, और टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना आ गया 4,000, डेट कौन सी आ गई 5, ये सीरियल वाइज आ गया, रेंट की कोई और एंट्री नहीं है, हमने टोटल किया 4,000, और यहां पे क्या लिखा, दूसरी साइड, बाय बैलेंस कैरी डाउन, अमाउंट कितना आ गया 4,000, और बैलेंस डेबिट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट ऑन 4,000। अब रेंट के बाद किसकी बनानी हमने, एक सैलरी की, किसकी बनानी हमने, सैलरी, अब यहां पे लिखा हमने सैलरी अकाउंट, तो सैलरी अकाउंट के बैलेंस कहां पे था, डेबिट साइड में, ये डेबिट साइड में इसका बैलेंस आ गया, और अपोजिट इसका नाम किसका था, बैंक का, तो यहां पे क्या लिखा, टू बैंक अकाउंट, डेट कौन सी आ गई इसकी, सिक्स, अमाउंट कितना आ गया 15, और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो यहां पे क्या लिखा हमने 15,000, यहां पे क्या लिखा 15,000, और यहां पे बाय बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड में आ गया 15,000, और डेबिट साइड में बैलेंस आ गया टू बैलेंस ब्रॉट ऑन
सबसे आसान तरीका, सैलरी के बाद सैलरी वाले भी आ गया, बैंक वाली कर दी, अब किसकी रहेगी, मोहन, तो यहां पे क्या लिखेंगे, मोहन से अकाउंट, मोहन का बैलेंस कहां पे है, डेबिट साइड में, ये आ गया डेबिट साइड इसका बैलेंस, टू बैलेंस ब्रांड 10,000, डेट कौन सी आ गई इसकी 7, और कोई ट्रांजैक्शन इसकी नहीं, यही टोटल 10,000 डेबिट में और क्रेडिट में भी आ गया, और यहां पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन 10,000, कौन सी साइड, क्रेडिट साइड में, और ब्रॉड डाउन कहां करेंगे, डेबिट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 10,000, लास्ट किसकी आ गई, सेल्स, यहां पे क्या लिखा मैंने, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट की अमाउंट कहां पे थी, क्रेडिट साइड में, तो यहां पे लिखा बाय मोहन, क्योंकि बैलेंस डेबिट साइड क्रेडिट साइड था, तो बैलेंस आ गया क्रेडिट साइड में, और नाम किसका लिखा, बाय मोहन 10,000, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये आ गया 10,000, और यहां पे क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरी डाउन 10,000, और क्रेडिट साइड में आ गया बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 10,000. इसमें क्या किया, हमने सबकी लेजर बनाई, सिंपल सा तरीका लिया, जिसकी ट्रांजैक्शन बना रहे थे, जिसकी हम लेजर बना रहे थे, उसका बैलेंस देखा कि वो डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है, अगर उसका बैलेंस डेबिट साइड है तो डेबिट में डाल दिया, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट, और उसके अपोजिट का नाम वहां पे उसका लिख दिया। यह था हमारा सैलरी जनरल से लेजर पोस्टिंग, बिल्कुल आसान तरीका। Like a Hellcat.